बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम करांगे। बहुत सारे विद्यार्थी ने जिन्हां दे रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तो पेंडिंग ने, सो इहदे उपर एक्सपर्ट ओपीनियन जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रॉडवे इमीग्रेशन के चीफ अमरजीत सिंह कंवर साढ़े नाल खास तौर पर मौजूद ने। कंवर साहब, बहुत छोटा जिहा टॉपिक है, मैं चाहूँगा कि पूरी क्लैरिटी इहदे ते कर दिओ विद्यार्थियों नूं। बहुत सारे विद्यार्थी ने जिन्हां दे पुराने रिजल्ट नहीं आए, सो जिन्हां दे रिजल्ट पेंडिंग ने, एक तो दस दौ कि रिजल्ट पेंडिंग ने, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दौ तो वो विद्यार्थी करन की वो इमीडिएट नवे इनटेक्स बारे सोचन या अपने रिजल्ट्स का इंतजार करन, डेफर लैन या रीफाइल करन, की करन विद्यार्थी, जरा करो एक्सप्लेन। प्रेजेंटली रिजल्ट है बहुत चंगी स्पीड ना देखन नू मिल रहा है। बहुत सारिया फाइलों पर जिहड़ा रिजल्ट है वो 30 दिन के अंदर मिल रहा है और किसी किसी फाइल पर 45 दिन भी जा रहा है। हुण जिहड़ियां फाइलां पहलां दीआं ने, पहलां दीआं भी कोई बहुत पहलां दीआं नहीं हुण रह गईआं। हुण जिहड़ी मैक्सीमम फाइल भी जिहड़ी रिजल्ट वेटिंग आई थिंक समवेयर इन जून जुलाई च लगी होगी, अगस्त हो सकती है, सितंबर हो सकती है, अक्टूबर हो सकते हैं। सो आ बच्चे हो सकते हैं जिहड़े रिजल्ट वेटिंग है। सो आ बैकलॉग भी नाल दी नाल क्लीयर हुंदा जा रहा है, इन्हां दे भी रिजल्ट रैगूलर आ रहे हैं। जो उम्मीद है कि बैकलॉग ऑलमोस्ट इस साल दे विच ही खत्म हो जूगा, मतलब रहिंदे दिसंबर दे एंड तक ऑलमोस्ट बैकलॉग वाले रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और अगले साल तो कनेडा एक नवी शुरुआत नाल चलेगा जिथे तुसी पूरी उम्मीद करके चलोगे कि तुहाडा जिहड़ा वीज़ा आ वो 30 तो 45 दिन 100% आऊगा और बहुत रेयर केस कोई होगा कि कोई केस बैकलॉग च चले जाए या लेट हो जाए। जिहड़े हिसाब नाल रिजल्ट दे ट्रेंड ने, स्पीड है जिस हिसाब नाल IRCC काम कर रही है और बच्चों बहुत विद इन टाइम रिस्पोंस दे रही है, पिछले खासकर डेढ़ महीने का गल करिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है। उस अकॉर्डिंग अगर मैं गल करा तो जी मे फाइल्स ने जी वो हुण लग जानियां चाहीदियां फरवरी एंड। हुण तुसीं कहोगे फरवरी एंड क्यों जे 30 दिनों रिजल्ट आने हैं? सो कारण आया कि एम्बैसी 30 दिनों रिजल्ट दे रही है, बट आपां देखिया कोविड तो बाद जिन्ने भी कैनेडा दे कॉलेज ने वो बच्चों तो रिजल्ट तकरीबन एक महीना पहला मंगन लग जाते हैं और अगर बच्चा वो रिजल्ट नहीं दिंदा तो वो सिचुएशन होंदी है कि उन्हें डेफर होना पैंदा। सो अगर आपां मई इनटेक ज्वाइन करना है तो आ जरूरी है कि अपना रिजल्ट एम्बैसी वालों तो 30-45 दिन चाहूगा, बट वो रिजल्ट आपां नूं नॉर्मल जिदन अपनियां क्लासां स्टार्ट हो रही ने तो घट्टो घट्ट एक महीना पहला चाहिए है, नहीं तो कॉलेज सानू डैफर कर देगा। सो इहदा मतलब कि जिहड़ा आपां नूं रिजल्ट है मई इनटेक का वो समवेयर अप्रैल स्टार्टिंग चाहिए है। अगर अप्रैल स्टार्टिंग चाहिए है तो फाइल फरवरी लगनी जरूरी है, तो ही तुहानू एम्बैसी मार्च के अप्रैल के स्टार्टिंग वीज़ा इशू कर पाऊगी ऑन टाइम, उसकी स्टैंपिंग करा पाऊंगे और ट्रैवल कर सकोगे बिना डेफरमेंट वाली सिचुएशन बने। अज की डेट च एक ही सलाह है कि कैनेडा बहुत फिल्टर्ड प्रोफाइल लैके जा रहा है। इस साल 2022 के जिन्ना वड्डा रिफ्यूजल आया वो कैनेडा के इतिहास च पहला कभी नहीं आया, बट यह सारे रिफ्यूजल तो बाद भी टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कैनेडा के वधे ने, सो उन्होंने घटे नहीं क्योंकि जाने वाली सवारियां बढ़ चुकी ने इतों। सो स्टूडेंट्स नू बहुत ज़्यादा अवेयर होकर यह करना पेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिहड़े ट्राई करते हुण तां कई सियाने एजेंट वो ट्राइया मारन तो बाज आ गए ने, हट गए ने कि एक च 5.5 ना वीज़ा नहीं आना, नहीं तो एडा ला ला के केस कट्ठे किए जाते होंगे। सो वो कम घट गया, सो वो बहुत सारा फाइल लोड घट गया और हजे भी कई बच्चे खुद अपने कोशिश जी उन्हों की रही है कि अपना आ जाए या मैं ट्राई कर लाँ कनेडा। सो घट नंबरों प्रेज़ करके चलो, अगर तुहाडे चाहे अकैडमिक दे मार्क्स घट है, चाहे आईलेट्स दे घट है, तो चाहे PT का स्कोर ज़्यादा घट है 53 तो थले है, तो तुसी रिस्क च रहोगे रहोगे और कैनेडा मैं नहीं कहूँगा कि तुहाडे लई फिर हैगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद कंवर साहब, बहुत ही चंगी इनफॉर्मेशन तुसी साडे स्टूडेंट्स दे नाल शेयर की है। सो मैं विद्यार्थियों नूं कहूँगा कंवर साहब दीआं गल्लां नूं बहुत ध्यान दे नाल समझो, कोई कन्फ्यूजन है तो 90-238-90-238 पर फोन करो कंवर साहब नाल या ब्रॉडवे इमीग्रेशन की टीम के नाल पूरी क्लैरिटी हासिल करो। अगर तुसी ब्रॉडवे के जरिए फाइल मूव करना चाहते हो तो तुसी ऑनलाइन भी फाइल मूव कर सकते हो, नहीं तो तुसी नियर बाय ऑफिस के जा सकते हो। थैंक यू सो मच कंवर साहब, सत श्री अकाल।